मेट्रो के स्टेशन पर और आप देखिए रश कितना है भाई साहब। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से ना थोड़ा पैदल चलना मुश्किल हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं शहबाज़ राजपूत वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल शहबाज़ राजपूत पे। जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे अंधेरा है, अभी टाइम जो है सुबह के 4 बजे हैं और हम जा रहे हैं जी लाहौर। एक दोस्त है, उसने अपना मेडिकल करवाना है साउथ कोरिया के लिए, अभी उसका वेट हो रहा है। तो फाइनली वो दोस्त जो है वो आ चुका है। जी तो किंगराट गाड़ी का टाइम हो चुका है, चलिए तो गाड़ी के अंदर चलते हैं। फाइनली गाड़ी में हम बैठ चुके हैं। मेरे साथ जा रहा है नवीर ने करवाना अपना साउथ कोरिया मेडिकल। तो गाड़ी हमारे टाउन से निकली है जी 4:30 बजे और तकरीबन 7:30-8 बजे हम लाहौर पहुंच जाएंगे। टाइम जो है वो सुबह के 5 बज चुके हैं और दिन निकलना स्टार्ट हो गया है और माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा मौसम है। अभी हम चंडा के करीब पहुंच चुके हैं। तो चंडा हम पहुंच चुके हैं, दिन जो है वो निकलना शुरू हो गया है और माशाल्लाह सवारी। गुजरांवाला पहलवानों के शहर हम जो है वो पहुंच चुके हैं और यहाँ पर सवारियाँ जो हैं वो उतर रही हैं और रिक्शे वाले अपने रोज़गार के लिए निकले हुए हैं। फाइनली लाहौर जो है हम पहुंच चुके हैं। सुबह तकरीबन हम निकले से 4 बजे और 4:30 से टाउन से बैठ रहे थे लाहौर वाले टाइम पर और अभी टाइम हुआ है 7:30 का, तकरीबन 3.5 घंटे में उसने हमें लाहौर पहुँच आ दिया। मैं इधर खड़ा हूँ बत्ती चौक पे, यहाँ से हम जाएंगे मेट्रो पर। ये जी जगह आप देख रहे हैं, ये जी बत्ती चौक। आगे का सफ़र जो हमारा है वो हम मेट्रो पे करेंगे। मेट्रो के स्टेशन पर और आप देखिए रश कितना है, चेक करें, टाइम काफ़ी लग जाना है। बहुत शुक्रिया। हम अलनूर लैब पहुँच गए हैं जहाँ पर लड़के ने मेडिकल करवाना था। ये आपको पीछे दिख रही होगी लैब, ठीक है। अगर आपने भी इस पर अलनूर लैब आना हो साउथ कोरिया के लिए मेडिकल करवाने, तो लोकेशन आपको बताता चलूँ कि आपने आज़ादी चौक पत्ती चौक उतरना है, वहाँ से आपने मेट्रो पर बैठना है। मेट्रो का स्टेशन नंबर 11 है, शमा स्टेशन। उस पर आपने उस पर उतर के नीचे रिक्शे लगे होंगे, रिक्शे वाले ने आपसे 100 या 80 रुपये लेने हैं। आप इसको बताना है कि अलनूर लैब जाना है तो वो आपको यहाँ पर पहुँचा दे। जी तो मेडिकल जो है वो हमने जमा करवा लिया है, अब हम आए हैं जी दरबार पे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। गंज बख्श आपकी मशहूर हम पे करम करो माशाल्लाह। माशाल्लाह देखिए माशाल्लाह, और अकीदतमंद देखें माशाल्लाह।
अपनी मनाओं ने खासियात का इजहार करते हुए, और दुआ है कि अल्लाह हर किसी बंद के गिफ्ट को पूरा करे और सबके दिलों को सुकून अदा करे। और बाहर इतनी गर्मी है, क्या बताऊँ आपको, यहाँ पर आते ही ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ए सी नुमा माहौल हो। तो दोस्तों दरबार हो गया थे और अब वहाँ से हम आए हैं बादशाह मस्जिद। लाहौर आए तो घूमे ना तो मज़ा नहीं लाहौर आने का। आइए तो आपको भी लेके चलते हैं बादशाह मस्जिद, घुमाते हैं साथ। यहाँ पर जो है वो एंट्रेंस है, एंट्रेंस पे ये भाई बैठे हुए हैं। चलो, गर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, माशाल्लाह देखिए बहुत खूबसूरत जगह है वो, जहाँ वो सामने देखे फॉरनर बैठे हुए हैं, माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत है। वो देखे फॉरनर बैठे हुए हैं, और ये देखिए माशाल्लाह व्यू चेक करें। और यहाँ पर हवेली है, यहाँ पर आपको सामने कुछ हिंदी में भी लिखा दिखाई दे रहा होगा, ये देखें। और ये हवेली सज्जी वाली काफ़ी मशहूर जगह है, यहाँ पर अक्सर आपने टिकटॉक पर वीडियोस देखी होंगी टिकटॉकर की। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से ना थोड़ा पैदल चलना मुश्किल हो रहा है। माशाल्लाह व्यू चेक करें आप, यहाँ पर आपको ब्रांडेड और मशहूर फ्रूट स्ट्रीट मिलेंगी। आज का दिन गर्मी भर आया है, पर फिर भी हमारे पास एक ही दिन है तो सोचा क्यों ना आपको भी साथ साथ विजिट करवा जाए जी। तो मस्जिद में एंट्री के बाद ये सामने मस्जिद का सीन है, माशाल्लाह कितना बड़ा सीन है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वो सामने आपको बड़ी खूबसूरत मस्जिद दिखाई दे रही है, माशाल्लाह ये उसके दो मीनार जो आदिल होर में तो नज़र आते आते हैं। इसका सीन देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही बड़ा सीन है, और माशाल्लाह इसे देखते ही आंखों को ठंडक पहुंचती है। और यहाँ पर ये आप देखें माशाल्लाह एक एक वर्क पे हाथ से लिखा गया है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ एक नहीं कई माशाल्लाह कुरान पाक हैं जो हाथ से लिखे हुए हैं, ये कुरान गैलरी है बादशाही मस्जिद की, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह। ये देखें आप माशाल्लाह कितनी हाइट पे और कितनी ऊंची मस्जिद है माशाल्लाह। और यहाँ पर फॉरनर भी बहुत सारे विज़िट करने के लिए आए हुए हैं, और स्पेशली इसका सीन देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना बड़ा सीन है इसका। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से मैं आपको सीन में तो नहीं लेके जा सकता, क्योंकि नीचे पत्थर जो लगा हुआ है वो बहुत ज़्यादा गर्म है और पाँव लगना मुश्किल हो रहा है। जी तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान शहबाज़ राजपूत को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।